ये जरूरी नहीं कि मकर संक्रांति आएगी तभी तुम गंगा नहाओगे। ये जरूरी नहीं है कि दीपावली आएगी तभी तुम दीप जलाओगे। महाराज यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है हर उत्सव प्रत्येक दिन प्रत्येक घड़ी प्रत्येक पल प्रत्येक समय जो समय चल रहा है आप उसको उत्सव सा मनाइए। कि श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हर समय हर पल हर घड़ी हर क्षण को आप उत्सव मना लीजिए। प्रत्येक क्षण को आप उत्सव में लीजिए, प्रत्येक घड़ी को प्रत्येक पल को आप उत्सव मना लीजिए। आप ये इंतजार मत करना कि मैं परसों के दिन ही भगवान का भजन करूंगी, मैं कल के दिन ही भगवान का स्मरण करूंगी, मैं कल ही, यहां तो हमारा तो शास्त्र कहता है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय हो जाएगा, पुण्य करेगा कब, तो तुम्हें जब मौका मिल जाए तब राम भज लो, तुम्हें जब मौका मिल जाए तब तुम कीर्तन कर लो, तुम्हें जब मौका मिल जाए तब तुम दान कर लो, तुम्हें जब मौका मिल जाए तब तुम सत्कर्म कर लो, तुम्हें जब मौका मिल जाए तब तुम, तुम्हारी मर्जी पड़े जब तुम्हें मौका मिले तब तुम अन्नदान वस्त्रदान मुद्रादान स्वर्णदान गौ माता को रोटी का दान ब्राह्मण जन को जल आदि का दान जो कुछ करना है तुम्हारे हाथों से कर लो। बस इतना याद रखना जो पहले कथा में कहा है कि शरीर चले और तुम्हारी तुम्हारे घर में चले तब तक सारे अच्छे काम कर लो। शरीर चले और तुम्हारी तुम्हारे घर में चले जब तक अच्छे काम कर लो। शरीर चलना बेकार हो जाएगा बंद हो जाएगा तो तुम कोई अच्छा काम नहीं कर पाओगे, पलंग से नहीं उठ पाओगे, इधर उधर जा ही नहीं पाओगे, कथा सत्संग भजन कीर्तन कहां कर पाओगे। जब तक शरीर चले और तुम्हारी तुम्हारे घर में चले तब तक सारे पुण्य करो, दान करो, सत्कर्म करो, भजन करो, कीर्तन करो। किसी घड़ी का किसी समय का इंतजार मत करना, श्वास का कोई भरोसा नहीं।